सब्सक्राइब करें मेटास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय न्यूटन इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ सैमसंग प्लाजा एट रोहिणी। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा ब्रांड जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कंज्यूमर के दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप बना चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं द ब्रांड सीक्रेट की इस सीरीज में। ये ब्रांड जिसकी आज हम चर्चा करेंगे और उसकी सफलता के रहस्य को जानेंगे, इसकी शुरुआत होती है जर्मनी के एक छोटे से गांव के छोटे से बाथरूम से। अपने ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिए एडोल्फ डेसलर ने वही किया जो आज के समय पर हर कंपनी को करना चाहिए। एडोल्फ डेसलर जो जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में रहते थे, 20 वर्ष की उम्र में उनका सपना था कि देश का हर खिलाड़ी उनके जूते पहने, और यह सपना इतना बड़ा था कि यह आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। एडोल्फ डेसलर ने अपने भाई रुडोल्फ डेसलर के साथ अपने घर के छोटे से बाथरूम से जूते बनाने का काम शुरू किया, और उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी ये नींव एक दिन बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी खड़ी कर देगी। एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर हमेशा अपने ग्राहक यानी खिलाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते थे। इसके लिए वो हमेशा खिलाड़ियों से जूते बनाने के लिए राय और प्रतिक्रिया मांगा करते थे। ध्यान से समझिएगा, राय और प्रतिक्रिया, दैट मींस सजेशन एंड रिएक्शन, जिसे बिजनेस की बैकबोन कहते हैं। खिलाड़ियों की सलाह पर 1925 में उन्होंने एक ऐसा जूता डेवलप किया जिसमें स्पाइक्स का प्रयोग किया जाने लगा, और यहीं से डेसलर जूतों का नाता खिलाड़ियों से जुड़ गया, क्योंकि स्पाइक्स वाले जूते ऑफिस में पहन के नहीं जाया जा सकता था। धीरे धीरे लोकप्रियता और व्यापार बढ़ता गया। 1927 में डेसलर बंधुओं ने जूते की एक छोटी सी फैक्ट्री का शुभारंभ किया। फिर एक समय आया जब 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा था, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने डेसलर जूते पहन के परफॉर्म किया। फिर 1936 में बर्लिन में ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें जेसी ओवेंस ने जब डेसलर जूतों को पहन के परफॉर्मेंस दी और 4 गोल्ड मेडल जीत लिए, उस दिन पूरे बर्लिन में डेसलर जूतों की धूम मच गई। धूम मचने से व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण दोनों भाइयों में विवाद बढ़ गया। उस दिन दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि दोनों में से कोई भी डेसलर शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। एडोल्फ डेसलर ने एडिडास की स्थापना की और रुडोल्फ डेसलर ने प्यूमा की स्थापना की। इस तरह से डेसलर बंधुओं ने अलग अलग नाम, अलग अलग काम, अलग अलग कंपनी और अलग अलग जूतों का निर्माण करना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों के बिजनेस की शोहरत इतनी बढ़ गई कि 1978 में एडिडास ने 5,70,00,000 और प्यूमा ने 4,60,00,000 जूतों का निर्माण किया। दोनों ब्रांड स्पोर्ट शूज की दुनिया में बेताज बादशाह बन गए। खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान देने की वजह से दोनों ब्रांड्स को अमेरिकन स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के हॉल ऑफ फेम में उन्हें शामिल किया गया। उस समय बाजार में केवल एक ही प्रतिद्वंदी कंपनी थी जो उनको टक्कर दे सकती थी, और वो कंपनी थी रिबॉक। और फिर 2006 में एडिडास ने 11.8 अरब US डॉलर देकर रिबॉक को खरीद लिया और अपनी स्थिति को बहुत अधिक मजबूत बना लिया। एडोल्फ डेसलर ने अलग अलग खेल और खिलाड़ी की जरूरत के हिसाब से अपने शूज में निरंतर परिवर्तन किया, और ऐसे में फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एडोल्फ डेसलर ने ऐसे जूते बनाए जिन्हें पहनकर कोई भी खिलाड़ी मैदानी घास व गीली मिट्टी में हमेशा अपने कदम को जमाए रख सकता है। एडोल्फ डेसलर द्वारा डिजाइन किए हुए स्टड वाले जूतों को पहनकर जब जर्मनी की टीम ने 1954 में विश्व कप जीत लिया, तो उस समय वो जीत जर्मनी की टीम के साथ साथ एडिडास के ब्रांड की भी हुई। आज लगभग 57,000 कर्मचारी एडिडास में काम करते हैं और 12.19 अरब US डॉलर का बिजनेस एडिडास करता है। इसीलिए एक बात को ध्यान से समझिएगा कि एडोल्फ डेसलर ने स्पोर्ट शूज नहीं बनाए, बल्कि हर खेल के लिए और हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग तरह के, अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग जूते बनाए, और एक स्लोगन दिया कि खेल अनेक लेकिन जूता एक, एडिडास। तो फ्रेंड्स, द ब्रांड सीक्रेट की आज की सीरीज का लेसन ये है कि यदि आप बहुत अधिक तरक्की करना चाहते हैं तो आपको फोकस करना होगा कस्टमर फीडबैक
अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ योर क्लाइंट, डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट रेगुलरली, कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत अधिक सफलता पाना चाहते हैं तो अपने बिजनेस में इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें और बिजनेस में अपने नाम को सुपर पावर बैंड की यात्रा तक ले जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिजनेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करना चाहते हैं और अपने नाम को माइलस्टोन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक प्रोग्राम, ROPE, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर, जिसे ज्वाइन करके आप अपने बिजनेस में बहुत अधिक सफलता पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं संध्या ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के CEO एंड फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर विकास गुप्ता जी। डॉक्टर विकास गुप्ता जी, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। डॉक्टर विकास जी, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप हमारे YouTube चैनल के कुछ व्यूवर से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले डॉक्टर अमित महेश्वरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मेरा सम्मान किया। डॉक्टर अमित महेश्वरी के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, इससे व्यूअर्स का, लोगों का, समाज का बहुत भला हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और मैं भी इनके चैनल्स को रेगुलरली देखता हूँ और मैं चाहूँगा कि सर ऐसे वीडियोस और बनाते रहें और हम सब लोगों का भला करते रहें। डॉक्टर अमित महेश्वरी का अगेन थैंकफुल। डॉक्टर विकास गुप्ता जी, हमारे चैनल की एक परंपरा है, जो लोग समाज के लिए बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उन लोगों को हम अपने चैनल पर इनवाइट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल की तरफ से एक गेस्ट ऑफ ऑनर आपके और संध्या ग्रुप ऑफ मेडिसिटी के लिए। मैं संध्या ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को किसी भी समय योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इन सब सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो संध्या ग्रुप हमेशा तत्पर खड़ा है और आप सब लोगों को आमंत्रण है कि आप आएं और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।